नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। हाल ही के कुछ सालों में यूपी में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिला है, जिसका नतीजा काशी, अयोध्या और मथुरा में पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। ऐसा अनुमान है कि आने वाले दिनों में यह आंकड़ा और बढ़ेगा, जिससे प्रदेश की इकोनॉमी बूस्ट होगी, साथ ही रोजगार के और अवसर भी पैदा होंगे। इन सब के बीच योगी सरकार काशी, अयोध्या और मथुरा के विकास पर भी विशेष फोकस दे रही है, जिससे यहां योजनाओं को रफ्तार मिली है। तो कई योजनाएं ऐसी भी हैं जो अपने तय समय से पहले धरातल पर उतार दी गई है। आखिर क्या है योगी सरकार के काशी, अयोध्या और मथुरा के विकास का लक्ष्य, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाएंगे। उत्तर प्रदेश देश के सबसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर वाले राज्यों में शामिल हो चुका है। प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क उपलब्ध है। इस दौरान प्रदेश की अर्थव्यवस्था औसतन 11% की दर से बढ़ी है। आज उत्तर प्रदेश नए भारत का ग्रोथ इंजन बनकर उभरा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प के अनुरूप उत्तर प्रदेश भारत की इकोनॉमी ग्रोथ को गति देने के लिए तैयार है। पूरी दुनिया से बड़ी तादाद में पर्यटकों का आगमन यूपी में हो रहा है, जिसकी वजह से सीएम योगी अब यूपी को पर्यटन विकास गति देने जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर श्री काशी विश्वनाथ धाम को कॉरिडोर से सजाने और अयोध्या धाम के विकास कार्यों ने हाल ही के सालों में इन दोनों स्थानों को प्रदेश के टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर स्थापित किया। जब से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, उसके साथ ही साथ अयोध्या नगरी को भी सजाने और संवारने की जो शुरुआत हुई थी वो आज भी जारी है। अगर बात की जाए हजारों करोड़ की परियोजनाएं अयोध्या में अभी भी चल रही हैं। भगवान राम की नगरी अयोध्या की बात करें तो योगी सरकार ने यहां बड़े पैमाने पर विकास किया। 22 जनवरी 2024 को यहां राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले और बाद में लगातार विकास कार्य प्रगति पर है। चौड़ी चौड़ी सड़कें, ब्रिज, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन समेत तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर में महत्वपूर्ण बदलावों ने निवेशकों को अयोध्या में अपनी परियोजनाएं शुरू करने के लिए आकर्षित किया। अयोध्या में हो रहे विकास से यहां लोग खुश भी हैं और वो योगी सरकार के कामों की तारीफ भी कर रहे हैं। अयोध्या में काफी परिवर्तन हुआ है। राम मंदिर का जब से निर्माण हुआ है तब से यहाँ काफी विकास हुआ है। सड़कें बदल गई, चौड़ी हो गई, लोगों का आवागमन बढ़ गया, एयरपोर्ट चालू हो गया। ये तो अपने नजरिए की बात है भाई साहब, आप भी देख सकते हैं कि पहले से क्या विकास हुआ है। लोग भी देखते हैं, हम भी निकलते थे पहले यहाँ से अयोध्या पहुँचने में आधा पौना घंटा लग जाता था, अब मुश्किल से 10 मिनट में अयोध्या पहुँच जाते हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.2 के दौरान अयोध्या में 13,421 करोड़ की 376 परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया, जिसमें से अब तक 993 करोड़ रुपए की 86 परियोजनाओं ने मूर्त रूप ले लिया। बाकी परियोजनाओं का भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जल्द शुरू होने की संभावना है। अयोध्या में खास तौर पर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर ने निवेश में अपनी रुचि दिखाई थी, जिनमें अभिनंदन लोढ़ा हाउस, पीकेएच वेंचर्स लिमिटेड, पक्का लिमिटेड, द इनोवेटर्स डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड और क्रेस्केंटो इंटीरियर्स जैसे बड़े नाम शामिल है। योगी सरकार आने के बाद पर्यटन को लगातार बढ़ावा मिल रहा है। श्रद्धालुओं की संख्या की बात करें तो 2 गुने से अधिक श्रद्धालुओं की संख्या मथुरा और वृंदावन में देखने को मिल रही है। तमाम ऐसी योजनाएं धरातल पर लागू की जा रही हैं, जिससे पर्यटन और रोजगार को यहां लगातार बढ़ावा मिल रहा है। चाहे एक्सप्रेसवे हाईवे की बात करें या तमाम ऐसे पुल हैं जो मथुरा को लिंक करके जोड़ते हैं, वहीं मंदिरों का भी जीर्णोद्धार और तमाम ऐसे स्थल हैं जो धार्मिक स्थल हैं, उन पर सरकार की तरफ से बड़े स्तर पर कार्य किया जा रहा है। श्री कृष्ण जन्म स्थान मथुरा की बात करें तो योगी सरकार के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, जहां लाखों पर्यटकों की आवाजाही रहती है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 में यहां 16,948 करोड़ रुपए की 428 परियोजनाओं को पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई और 5 माह में यहां पर 3,837 करोड़ की 120 परियोजनाओं को मूर्त रूप दिया। देखिए, धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से मथुरा के अंदर जितनी योजनाएं चल रही हैं, जितने विकास कार्य हो रहे हैं, इस प्रकार चारों ओर तीर्थ विकास परिषद के द्वारा भी कार्य कराए जा रहे हैं, वेलनेस सेंटर बन रहे हैं, फैसिलिटेशन सेंटर बन रहे हैं। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में अभी काशी और बनारस में अयोध्या नहीं गया हूँ, लेकिन मथुरा को मैं देखता हुआ आ रहा हूँ तो मुझे देखने में ये आ रहा है कि योगी सरकार के आने के बाद से और मथुरा का तो समुचित विकास हो रहा है। मथुरा में भी काफी विकास कार्य किए जा रहे हैं और एक ही जगह केंद्रित करके नहीं किए जा रहे, चाहे वो गोकुल हो, बरसाना हो, नंदगांव हो, गोवर्धन हो। गोवर्धन में देखिए मुड़िया पूर्णिमा मेला इस समय चल रहा है, आज की डेट में भी वहाँ भी बहुत सारी योजना उन्होंने पहले
अमली जामा पहनाया गया है, जिसमें शौचालय भी बनाए गए हैं, सड़क का सौंदर्यीकरण हुआ है, उसके साथ ही लाइटों की व्यवस्था की गई, क्योंकि रात्रि में भी परिक्रमा देने आते हैं लोगों का। और सबसे बड़ी बात है मथुरा वृंदावन की यदि बात करें, देखो यमुना तो यहाँ पवित्र पावनी जो यमुना है उसके घाटों का सौंदर्यीकरण भी हो रहा है। अभी हाल फिलहाल में 43.77 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें 15 करोड़ की राशि जारी भी कर दी है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के दौरान के आंकड़ों को देखिए तो मथुरा में शीर्ष 5 प्रोजेक्ट से ही 11,000 से अधिक नौकरियां मिलने की संभावना जताई गई। एयर लिक्विड नॉर्थ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, द बेनिसन, द केशव पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, आईएफपी पेट्रो प्रोडक्ट्स और अवधि इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने बड़ी परियोजनाएं शुरू करने के लिए सरकार से हाथ मिलाया है। वाराणसी में पिछले कुछ समय में अमूल चूल परिवर्तन नजर आया है। जिस तरीके से ये परियोजनाएं जमीन पर उतरने के बाद वाराणसी में विकास की नई गंगा बही है, तो वहीं पर्यटकों की संख्या भी लगातार बढ़ती हुई देखी गई है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम, नमो घाट जैसी परियोजनाएं जमीन पर उतरने के बाद पर्यटक लगातार इस पर खींचे चले जा रहे हैं। इसी तरह बाबा विश्वनाथ की धरती वाराणसी का विकास भी योगी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता में है। पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र होने के कारण इस जिले का विकास और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसे देखते हुए यहां कई बड़ी कंपनियों ने निवेश की इच्छा जाहिर की। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 में वाराणसी के लिए 19,295 करोड़ रुपए की 279 परियोजनाओं का श्री गणेश हुआ। 5 महीने में वाराणसी में 1,748 करोड़ रुपए की 69 परियोजनाओं ने कार्य शुरू किए और जल्द ही शेष परियोजनाएं भी धरातल पर उतरती नजर आएंगी, जिनसे हजारों लोगों को फायदा होगा। यहाँ भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, रोमा बिल्डर्स और प्रोमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, अंश निर्माण प्राइवेट लिमिटेड और जीएस रेजिडेंसी प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियां अपनी परियोजनाओं को मूर्त रूप दे रही है। भले ही योगी सरकार का इन तीनों जिलों के विकास पर फोकस है, लेकिन समय समय पर ऐसी भी तस्वीरें सामने आई जो अधिकारियों की मंशा पर सवाल उठाती हैं। दरअसल अभी हाल ही में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, लेकिन इस सीजन में पहली बारिश में अयोध्या के विकास की पोल भी खुली। इससे कहीं न कहीं ये बात सही साबित हुई कि सरकार की मंशा के मुताबिक अधिकारियों ने काम नहीं किया और पहली बारिश